सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, किस्त नंबर 6। सुल्तान नूरुद्दीन को जोसलिन के खिलाफ जंग में हजीमत का सामना करना पड़ा था और वो शिकस्त उठाकर हलब को वापस आ गया था। नूरुद्दीन ने हलब वापस आकर दोबारा जंग के लिए जोरों शोर से तैयारी की और चंद दिन बाद जब जोसलिन अपने खोए हुए दारुल हुकूमत एडिसा पर फैसला कुन हमला करने के लिए जा रहा था, वो एक जर्रार फौज के साथ उसके मुकाबले पर आ गया। सुल्तान ने खिलाफ मामूल कल्बी लश्कर को असदुद्दीन शेरको के सुपुर्द किया और खुद मेमना की कियादत संभाली। ये उसकी एक जंगी चाल थी जिसको ईसाई न समझ सके और अपना सारा जोर मुसलमानों के कल्ब पर डाल दिया। शेरको ने सुल्तान की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर दिया। उधर सुल्तान अपने मेमना के हमरा दो कोस का चक्कर काटकर ईसाइयों पर पीछे से आ पड़ा। ईसाइयों ने उसके मुकाबले के लिए जूं ही पीछे का रुख किया, असदुद्दीन शेरको ने उन पर एक बलाखेज हमला कर दिया। ईसाई फौज पर दोनों तरफ से जरबें लगी तो उसकी तरतीब टूट गई और जोसलिन की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद ईसाई जंगजू मैदान जंग में किसी जगह कदम न जमा सके। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों ने आनन फानन उनको मगलूब कर लिया और जोसलिन बड़ी बेबसी के आलम में मुसलमानों के हाथ असिर हो गया। नूरुद्दीन अगरचे जोसलिन की शर अंगेजियों और बदतमीजियों की बिना पर उससे सख्त आजुर्दा था, लेकिन उसकी जवामर्दी ने गवारा ना किया कि जंजीरों में जकड़े हुए जंगी कैदी के खून से अपने हाथ रंगे। ताहम मुसलमानों की मफाद के खातिर वो उस दुश्मन इस्लाम को खुला भी नहीं छोड़ सकता था। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि उसको हलब में कैद कर दिया जाए और कैद खाने की कड़ी निगरानी की जाए। उस वाकये के बाद जोसलिन 9 बरस तक हलब के कैद खाने में जिंदा रहा और उस दौरान में वो अपनी बसारत से हाथ धो बैठा और ईस्वी सन 1158 में निहायत कसम पुरसी के आलम में एडिया रगड़ रगड़ कर मर गया। उस शैतान सीरत इंसान ने अपने ज़माने इक्तदार में मुसलमानों पर जो बेपनाह मजालिम ढाए थे, कुदरत ने उनकी इबरतनाक सज़ा उसको इसी दुनियाई आबोगुल में ही दे दी। जोसलिन की गिरफ्तारी के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ने रियासत एडिसा के बाकी इलाकों की तरफ फातेहाना पेशकदमी शुरू कर दी। ईसाइयों की मदद के लिए अगरचे क्रुसेडरों की कई जमातें पहुँच गई और हुकूमत अंताकिया ने भी उनको भरपूर मदद की, लेकिन नूरुद्दीन की फतहात का सैलाब सारी रुकावटों को बहा कर ले गया। ईसाइयों पर शिकस्तों पर शिकस्तें हुई और बहुत थोड़े अरसे के अंदर सुल्तान ने उनसे कोरस, तल खालिद, कुफरे सोप, राविंदान, मरइश, दाविंदार, बुरजुर रसान, एनेताब, नेहरुल जोज, हिस्नुल बारा वगैरह के किले छीन लिए और फिर उनके सबसे मजबूत गढ़ जलदक की तरफ बढ़ा। जलदक के किले में हजारों ईसाई जंगजू जमा थे और उनकी मदद के लिए शाम के मुख्तलिफ इलाकों से भी ईसाइयों की एक कसीर तादाद आ पहुंची थी। किला की फसलें नहायत मजबूत थी और ईसाइयों ने उसकी हिफाजत के लिए बड़ी तैयारी कर रखी थी। नूरुद्दीन ने किला का मुहासरा किया तो जलदक के ईसाइयों ने उसकी फौज पर पत्थरों और तीरों की बारिश कर दी। मुसलमान मजबूर होकर किला की फसीलों से दूर हट गए। अब सुल्तान ने किला के चारों जानिब मंजनी के नसब करा दी और उनसे ऐसी शदीद संगबारी की कि किला की फसीलों में शिगाफ पड़ गए और मुसलमान तकबीरें बुलंद करते हुए किला में दाखिल हुए। ईसाई बगली रास्तों से भाग निकले और करीब के एक दूसरे किले दलोका में जाकर पनाह ली। सुल्तान जलदक पर अपना कब्जा मुस्तहकम करके दलोका की तरफ बढ़ा और चंद दिन के मुहासरे के बाद उस पर भी अपना परचम फतह नसब कर दिया। सुल्तान की मुसलसल फतहात ने ईसाइयों की हिम्मतें पस्त कर दी और वो उसके नाम से ठर ठराने लगे। दलोका की फतह के बाद नूरुद्दीन ईसाइयों के मजबूत किला तल बाशिर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तल बाशिर के ईसाई मुद्दतों से मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे और अब वक्त आ गया था कि हमेशा के लिए
उनका सर कुचल दिया जाए। उन लोगों को जो ही सुल्तान के इरादों का इल्म हुआ, उन्होंने एक मजलिस मशावरत मुनाकिद की और काफी बहस व तकरार के बाद फैसला किया गया कि सुल्तान की इताअत कबूल कर ली जाए, क्योंकि उसकी जबरदस्त कुव्वत से टक्कर लेना उनके बस की बात नहीं। चुनांचे उन्होंने अपने सर किरदा आदमियों पर मुश्तमिल एक सफारत मुरतब की और उसको सुल्तान की खिदमत में शराइत सुलह तय करने के लिए भेजा। चूंकि उन लोगों ने बगैर लड़े भिड़े सुल्तान की इताअत का इकरार कर लिया, इसलिए रहमदिल सुल्तान ने उनके साथ निहायत फराग दिली का बर्ताव किया और बराए नाम जिजिया के एवज न सिर्फ उनकी जानो माल की हिफाजत की जमानत दी, बल्कि उनको आम शहरियों जैसे हुकूक शहरियत मरहमत फरमाए। मगरबी मुआरखीन एतराफ करते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन का सलूक इताअत कर लेने वाले ईसाइयों के साथ बहुत फराख दिलाना होता था। उनमें और मुसलमानों में सिर्फ इतना फर्क होता था कि मुसलमानों से फौजी खिदमत ली जाती थी और वह खिराज से मुस्तस्ना थे। दूसरी कौमों से मामूली जिजिया लिया जाता था और उनको फौजी खिदमत से मुस्तस्ना कर दिया जाता था। ये ईसाइयों की कोता अंदेशी थी कि वो उसके खिलाफ मौका पाकर उठ खड़े होते थे, वरना सुल्तान के खिलाफ उनके बुग्ज़ व इनाद की बज़ाहिर कोई माकूल वजह न थी। अमीर मजीरुद्दीन वाली दमिश्क ने 545 हिजरी में सुल्तान नूरुद्दीन से बाद शराइत पर सुलह कर ली थी, लेकिन वो बहुत जल्द अपने अहद व पैमान से मुनहरिफ हो गया और 546 ईस्वी में ईसाई उमरा से साजबाज कर ली। एक दो मौकों पर जब नूरुद्दीन ने उसको अपनी फौज जिहाद पर भेजने के लिए लिखा तो वो उसके अहकाम को हिला व हवाला से टाल गया। सुल्तान के दिल में उसी वक्त उसकी तरफ से खटक पैदा हो गए, लेकिन उसने सब्र से काम लिया। चंद दिन बाद जब उसके वकाए निगारों ने इस खबर की तस्दीक कर दी कि मजीरुद्दीन ने दर पर्दा ईसाइयों के साथ बाहमी इमदाद व ताउन का मुआहिदा कर लिया है, तो उसका पैमाना ये सब्र लबरेज हो गया और वो एक जबरदस्त फौज के साथ हलब से दमिश्क की तरफ चल पड़ा और बड़ी तेजी से मंजिलें मारता हुआ मजाफात दमिश्क में अर्ज उजरा के मुकाम पर आकर खेमाजन हो गया। एक रात वहां कयाम करने के बाद दूसरे दिन उसने अपनी फौज को दमिश्क की तरफ हरकत दी। मजीरुद्दीन बड़े साजो सामान के साथ सुल्तान के मुकाबला पर निकला। दोनों लश्करों के बीच एक झड़प हुई जिसमें दमिश्की लश्कर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद सुल्तान ने मजीरुद्दीन को पैगाम भेजा कि मैंने दमिश्क पर इसलिए चढ़ाई की है कि तुमने दुश्मना ने दीन से साजबाज कर ली है। अगर अब भी जिहाद फी सबीलिल्लाह में मेरे साथ शरीक और माविन का एहद करो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा बाकी नहीं रहता। बस उरते दिगर मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो दुश्मना ने दीन के साथ करता हूं, और वही तलवार मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी जो एदाए इस्लाम का किला कमा करने के लिए वक्फ हो चुकी है। मजीरुद्दीन ने सुल्तान के इस पैगाम को ठुकरा दिया और बदस्तूर जंग की तैयारियों में मसरूफ रहा। नूरुद्दीन ने अब दमिश्क का घेरा तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी दौरान उसे खबर मिली कि ईसाइयों का एक जबरदस्त लश्कर हरान से मजीरुद्दीन की मदद के लिए दमिश्क की तरफ आ रहा है। सुल्तान ने इसके बारे में अपने उमरा से मशवरा किया तो सब ने यही राय दी कि पहले ईसाइयों से निमटना जरूरी है। चुनांचा सुल्तान ने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा जो 20,000 सवारों पर मुश्तमिल था शेरकों की सरकर्दगी में एवाज की तरफ बढ़ा दिया, और दूसरा हिस्सा सुल्तान की कियादत में दारिया से होता हुआ कदाया के मुकाम पर जाकर मुकीम हो गया। ईसाई अफवाज ने उसकी नकलो हरकत की खबर सुनी तो वो दमिश्क का रास्ता छोड़कर रासुल माह की तरफ चली गई। इधर मजीरुद्दीन भी अपने फौजों के साथ दमिश्क से निकलकर ईसाइयों के साथ उस मुकाम पर आ मिला और उनकी मुत्तहिदा फौज ने सुल्तान की तवज्जो दमिश्क से हटाने के लिए हिस्न बुसरा पर हमला कर दिया। सुल्तान ने बुसरा के दिफा के लिए काफ़ी इंतजाम कर रखे थे, इसलिए वो ईसाइयों की चाल में न आया और कदाया में जमकर बैठा रहा। बुसरा के हाकिम ने हमलावरों का डटकर मुकाबला किया
और उनको सख्त नुकसान पहुंचाकर पस्पा कर दिया। सुल्तान अब कदाया से दिलामिया होता हुआ जसर खशब में पहुंचा और दमिश्क पर जबरदस्त दबाव डालना शुरू किया। कई दिन तक दमिश्की फौज से झड़पें होती रही। सुल्तान नहीं चाहता था कि दमिश्क के मुसलमान उसके हाथ से बर्बाद हो जाए, इसलिए वो हर शाम दमिश्की लश्कर को कहला भेजता था कि मैं अपनी ताकत को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर तुम मुआहिदा की पाबंदी का इकरार करो तो मैं तुमसे तारुज नहीं करूँगा। आखिरकार दमिश्की फौज चंद झड़पों में हौसला हार बैठी और मजीरुद्दीन ने मजबूरन सुल्तान से सुलह कर ली। इसके बाद सुल्तान दमिश्क से हलब की तरफ रवाना हो गया। दमिश्क से वापसी के बाद सुल्तान के 8 महीने निहायत अमनो अमान से गुजरे। उस दौरान में वो अपनी रियाया की फलाहो बहबूद की तदबीरों में मसरूफ रहा। जमादियुल उला 546 हिजरी में अब्बासी खलीफा ने सुल्तान के कारनामों पर इजहार खुशनुदी किया। उसी साल सलाहुद्दीन यूसुफ अपने बाप नजमुद्दीन से रुखसत होकर अपने चचा असदुद्दीन शेरको के पास हलब आ गया। शेरको ने होनहार भतीजे को एक मुनासिब मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत में पेश किया। सलाहुद्दीन के पेशानी पर बड़ाई के आसार नुमाए थे। सुल्तान की निगाह मर्दम शनास ने उसकी गैर मामूली लियाकत और फहम व फराज का अंदाज़ा कर लिया और उसको न सिर्फ अपने खास मसाहिबीन में शामिल कर लिया बल्कि मुख्तलिफ शहरों में कई जागीरें भी अता की। हिजरी 546 के आखिर में सुल्तान को इत्तला मिली कि अंतरतुस के ईसाइयों के तेवर बदले हुए हैं और वो उसके मकबूजात पर हमला करने का मंसूबा बना रहे हैं। सुल्तान ने फिल्फ और उनकी सरकूबी के लिए तैयारी शुरू कर दी और यकम मुहर्रमुल हराम सन हिजरी 547 को ईसाइयों के खिलाफ ऐलान जिहाद कर दिया। उस ऐलान से मुसलमानों में ज़बरदस्त जोश पैदा हुआ और मुख्तलिफ इलाकों से मुजाहिदीन के मुसल्ला जत्थे, जिनमें 9 उम्र लड़के तक शामिल थे, जोक दर जोक सुल्तान के लश्कर में आकर शामिल होने लगे। यहाँ तक के चंद दिन के अंदर अंदर हलब में उनके ठहरने के लिए जगह न रही। सुल्तान ने कुछ फौज हलब और उसके नवाही इलाकों की हिफाजत के लिए छोड़ी और बाकी फौज और मुजाहिदीन को साथ लेकर 10 मुहर्रमुल हराम सन हिजरी 547 को तेजी से अंतरतुस की तरफ कूच कर दिया। उस किले में जंगजू ईसाइयों की कसीर तादाद मौजूद थी और उन्होंने भारी मिकदार में सामान रसद और आलात हरब और जरब वहां जमा कर रखे थे। सुल्तान के पुरजोश लश्कर ने उनके बेशतर हिस्से को बर्बाद कर डाला और बकिया तो सैफ को हाकिम अंतरतुस समेत गिरफ्तार कर लिया। उनमें से जिन लोगों ने अमान तलब की सुल्तान ने बिला तामुल उनको आज़ाद कर दिया और किसी को मुतलक कोई ईजा न पहुंचाई। इसके बाद हाकिम अंतरतुस के मातहत कई और छोटे छोटे किलों ने बरजाव रगबत सुल्तान की इताअत कबूल कर ली। फराख दिल सुल्तान ने मामूली जिजिया आयद करने के सिवा उनसे कोई तारुज न किया और अपने दारुल हुकूमत को वापस चला गया।